नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मानसी। आज इस बुलेटिन में बात होगी विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया के कांग्रेस में एंट्री की, राहुल गांधी के अमेरिका की यात्रा की, देखेंगे सेबी चेयरपर्सन की बढ़ने वाली मुश्किलों को, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान को, जानेंगे नीतीश के तेवरों से घबराई बीजेपी को, और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान के किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। फारूक अब्दुल्ला का बयान, कांग्रेस के साथ गठबंधन को बताया जरूरत, जम्मू कश्मीर में साथ साथ चुनाव लड़ रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस। बंगाल में अटका अपराजिता बिल, नहीं मिली बंगाल के राज्यपाल से मंजूरी, टेक्निकल रिपोर्ट का दिया हवाला। पेरिस पैरालंपिक में प्रवीण कुमार ने भारत को दिलाया 26वां पदक, हाई जंप T64 में जीता गोल्ड मेडल। और लाल निशान पर बंद हुआ शेयर बाजार, 1017 अंकों की गिरावट के साथ 81,183 पर बंद हुआ सेंसेक्स, वहीं 292 अंकों की गिरावट के साथ 24,892 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां, अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। हरियाणा चुनाव पर इस बार सबकी नजर है। 10 साल से प्रदेश की सत्ता संभालने वाली बीजेपी इस बार मुश्किल में है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस लगातार मजबूत होती जा रही है। कांग्रेस को हरियाणा में उस समय बीजेपी पर जबरदस्त बढ़त मिलती दिखाई दे रही है जब दो लोकप्रिय पहलवान विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। देखिए रिपोर्ट। कई हफ्तों से जारी अटकलों पर ब्रेक लगाते हुए रेसलर विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया ने आखिरकार कांग्रेस का दामन थाम लिया। पार्टी ज्वाइन करने से पहले विनेश और बजरंग ने अपनी रेलवे की सरकारी नौकरी से इस्तीफा दिया। दोनों रेलवे में स्पोर्ट्स ओएसडी के पद पर थे। कांग्रेस में शामिल होने से पहले दोनों ने पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की। कांग्रेस में शामिल होने के मौके पर विनेश ने कहा, कांग्रेस पार्टी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि जब बोलते हैं ना कि बुरे टाइम में पता लगता है कि अपना कौन है। जब हम रोड पे घसीटे जा रहे थे तो छोड़ के बीजेपी को, देश में जितनी भी पार्टियां हैं वो हमारे साथ में थी, हमारे दर्द को समझ पा रही थी, हमारे आंसुओं को समझ पा रही थी। विनेश ने आगे कहा कि मैं गर्व महसूस कर रही हूं कि मैं एक ऐसी पार्टी और विचारधारा के साथ हूं जो महिलाओं के साथ अन्याय और बुरे बर्ताव के खिलाफ खड़ी है। रेसलिंग में जिस तरीके से हमने काम किया है, भाजपा आईटी सेल ने साबित करने की कोशिश की थी कि हम बुझे हुए कारतूस हैं, हम खत्म हो गए हैं। उन्होंने कहा कि मैं नेशनल नहीं खेलना चाहती थी, लेकिन मैंने नेशनल चैंपियनशिप खेली, मैंने ट्रायल दिया, मैं ओलंपिक में गई और फाइनल में भी गई, लेकिन परमात्मा को कुछ और मंजूर था। परमात्मा ने देश की सेवा करने का मौका दिया है। वहीं बजरंग पुनिया ने भी कहा कि हम कांग्रेस में भी उतनी ही मेहनत करेंगे जितनी हमने कुश्ती में की है। और जो भी आज हम इस पे कांग्रेस पार्टी में आए हैं, मैं धन्यवाद देता हूँ सभी का। हम अपनी पूरी मेहनत, जितनी हमने कुश्ती में मेहनत की है, जितनी हमें किसान आंदोलन में मेहनत करी है, जितना अग्निपथ योजना के टाइम पे मेहनत करी है और बेटियों के आंदोलन में मेहनत करी है, ऐसे ही मेहनत करेंगे और कांग्रेस पार्टी को भी मजबूत करेंगे और देश को भी मजबूत करेंगे। बता दें कि हाल ही में विनेश और बजरंग ने राहुल गांधी से भी मुलाकात की थी और अब कयास लगाए जा रहे हैं कि बजरंग को बादली सीट तो वहीं विनेश को जुलाना सीट से टिकट दिया जा सकता है। विनेश और बजरंग के कांग्रेस में शामिल होने से बीजेपी परेशान दिखाई दे रही है, तो दूसरी तरफ राहुल गांधी की अमेरिका यात्रा ने भी बीजेपी की परेशानी को बढ़ा दिया है। राहुल पहली बार विपक्ष के नेता की हैसियत से अमेरिका जा रहे हैं, ऐसे में पूरे देश की नजरें उन पर टिकी हुई हैं, तो क्यों खास है राहुल की ये यात्रा, देखिए इस रिपोर्ट में। राहुल गांधी का विदेश दौरा शुरू क्या हुआ, बीजेपी परेशान हो गई। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर राहुल के अमेरिका दौरे से बीजेपी क्यों बेचैन होती है। इसकी वजह है राहुल की बढ़ती लोकप्रियता। देश ही नहीं, दुनिया भर में राहुल की लोकप्रियता का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। खासकर लोकसभा चुनाव के बाद से राहुल का कद बढ़ा है। बीजेपी की टेंशन की वजह ये भी है कि नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद राहुल गांधी पहली बार अमेरिका दौरे पर जा रहे हैं। राहुल गांधी जब से नेता प्रतिपक्ष बने हैं, तब से भारतीय मूल के लोग, राजनयिक, शिक्षाविद, नेता, कारोबारियों, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया से जुड़े लोग उनसे मिलना चाहते हैं, उनसे बात करना चाहते हैं। यही नहीं, अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव होने हैं। इस बीच में अमेरिका से राहुल को न्योता आना कहीं न कहीं इस बात का संकेत है कि दुनिया में पीएम से ज्यादा अब राहुल गांधी की पूछ है, जिससे बीजेपी की टेंशन बढ़ गई है। फिलहाल राहुल के दौरे की अगर बात करें तो कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी देर रात 1:05 पर लंदन के लिए रवाना हो गए। राहुल गांधी BA-142 उड़ान से लंदन के लिए रवाना हुए। लंदन के बाद राहुल गांधी वहां से अमेरिका जाएंगे। बता दें कि इससे पहले कांग्रेस की इकाई इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के प्रमुख सैम पित्रोदा ने भी एक वीडियो जारी कर राहुल गांधी के अमेरिका दौरे को लेकर जानकारी दी थी।
कांग्रेस की तरफ से बताया गया था कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी अमेरिका के 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। यहां वे भारतीय मूल के लोगों, छात्रों, कारोबारियों, थिंक टैंक और स्थानीय नेताओं के साथ मुलाकात करेंगे। कांग्रेस की इकाई इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के प्रमुख सैम पित्रोदा ने एक वीडियो जारी कर बताया था कि राहुल गांधी 8 सितंबर को अमेरिका के डलास शहर में होंगे। इसके बाद 9 और 10 सितंबर को वाशिंगटन में रहेंगे। ऐसे में अमेरिका की धरती से राहुल गांधी क्या कुछ कहेंगे, अब सभी की निगाहें इसी पर टिकी हुई हैं। अमेरिका ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की नजरें राहुल गांधी पर रहेंगी, तो नजरें अब सेबी चीफ के कथित घोटाले पर भी सभी की टिकने वाली हैं। सेबी चीफ के मामले की जांच अब संसद की लोक लेखा समिति यानी PAC करने वाली है। तो क्या है पूरा मामला, देखिए रिपोर्ट। सेबी की चेयरपर्सन माधवी पुरी बुच से जुड़े विवाद कम होने के नाम नहीं ले रही हैं। इस बीच सेबी चीफ की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। संसद की लोक लेखा समिति यानी PAC उनके खिलाफ लगे तमाम आरोपों की जांच करने की योजना बना रही है और इस महीने के आखिर तक उन्हें समन भी जारी किया जा सकता है। ऐसा सेबी के कामकाज की समीक्षा के लिए किया जा सकता है। दरअसल PAC के कई सदस्यों ने सेबी की कार्यप्रणाली और सेबी चीफ माधवी पुरी बुच के खिलाफ लग रहे आरोपों की जाँच करने की मांग की थी। उसके बाद सेबी चीफ के खिलाफ आरोपों की जांच के मुद्दे को PAC के एजेंडे में ऐड किया गया। इस मुद्दे को PAC की 29 अगस्त को हुई पहली बैठक में एजेंडे में जोड़ा गया। संसद की इस समिति में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के सदस्य शामिल होते हैं। PAC की अध्यक्षता कांग्रेस नेता KC वेणुगोपाल कर रहे हैं। इसको लेकर विवाद की संभावना जताई जा रही है। कांग्रेस नेता KC वेणुगोपाल की अध्यक्षता वाली समिति ने अगले 5 सालों के लिए 161 विषय तय किए हैं जिन पर चर्चा की जानी है। बता दें कि कांग्रेस प्रवक्ता की तरफ से आरोप लगाए गए कि सेबी चीफ ICICI बैंक से रिटायरमेंट के बाद भी सैलरी ले रही थी, जिसके बाद से केंद्र सरकार और सेबी चीफ सवालों के घेरे में आ गए हैं। विपक्ष लगातार सरकार और सेबी चीफ पर हमलावर है। सेबी के मामले में BJP अब बैकफुट पर आ गई है, तो वहीं केजरीवाल को लेकर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी ने उसकी परेशानी को और बढ़ा दिया है। कोर्ट ने सरकार से सवाल किया है कि आखिर जेल में बंद केजरीवाल को फाइलों पर साइन करने से किसने रोका है, देखिए रिपोर्ट। दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट 10 सितंबर को फैसला सुनाएगा। दावा तो ये किया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट CBI के मामले में केजरीवाल को जमानत दे सकता है। ED मामले में उन्हें पहले ही जमानत मिल चुकी है। जिस कथित शराब नीति मामले में CBI ने केजरीवाल को गिरफ्तार किया है, उसमें केजरीवाल को छोड़कर अधिकांश प्रमुख लोगों को कोर्ट जमानत दे चुका है। इस बीच केजरीवाल के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक राहत पहुंचाने वाली टिप्पणी की है। दरअसल सजा काट रहे कैदियों की समय पूर्व रिहाई से जुड़े मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस एस ओका और जस्टिस AG मसीह की बेंच ने दिल्ली सरकार के वकीलों से पूछा कि केजरीवाल के हिरासत में रहते हुए क्या समय पूर्व रिहाई की फाइल पर हस्ताक्षर करने से रोक है। ASG ऐश्वर्य भाटी और वरिष्ठ वकील अर्चना दवे ने कहा कि इसका पूर्व में कोई उदाहरण नहीं है, वे निर्देश लेकर कोर्ट को सूचित करेंगे। जस्टिस ओका ने कहा कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो सुप्रीम कोर्ट को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत मिले अधिकारों का प्रयोग करना होगा, क्योंकि इन मामलों को इस तरह अटकाया नहीं जा सकता है। कोर्ट ने कहा कि मुख्यमंत्री के हस्ताक्षर नहीं करने से माफी वाले इन फाइल को आगे की कार्रवाई के लिए LG के पास नहीं भेजा जा पा रहा है। सुप्रीम कोर्ट से केजरीवाल को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद दिखाई दे रही है, तो BJP और संघ के बिगड़ते रिश्तों के चलते BJP परेशानी में दिखाई दे रही है। संघ प्रमुख का एक बयान सामने आया है, क्या कहा भागवत ने, देखिए इस रिपोर्ट में। अपने कर्मों में सफल होने के बाद आप भगवान बन गए हैं या नहीं, इसका फैसला लोगों को करना चाहिए। आपको खुद नहीं बोलना चाहिए कि आप भगवान बन गए हैं। अपने अच्छे काम के जरिए हर कोई एक सम्मानित व्यक्ति बन सकता है, लेकिन हम उस स्तर तक पहुंचे हैं या नहीं, ये फैसला हम नहीं बल्कि दूसरे लोग करेंगे। हमें कभी ये ऐलान नहीं करना चाहिए कि हम भगवान बन गए हैं। ये बात RSS के सरसंचालक मोहन भागवत ने कही है। भागवत पुणे में शंकर दिनकर काने की 100वीं जयंती के कार्यक्रम में बोल रहे थे। इस दौरान भागवत के इस भगवान वाली बात को PM मोदी से जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि लोकसभा चुनावों में PM मोदी ने खुद को नॉन बायोलॉजिकल बता दिया था और खुद को भगवान द्वारा भेजे जाने और उनसे सीधा संवाद होने की भी बात कही थी, जिसको लेकर वो काफी ट्रोल भी हुए थे। अब भागवत के इस बयान के बाद एक बार फिर संघ और BJP के बीच सब कुछ ठीक ना होने की खबरों को हवा मिल गई है। इसके साथ ही मौके पर भागवत ने मणिपुर को लेकर भी बात कही। भागवत ने कहा कि मणिपुर में परिस्थितियां कठिन बनी हुई हैं। स्थानीय लोग अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। वहां कारोबार या सामाजिक सेवा के लिए गए लोगों के लिए माहौल अधिक चुनौतीपूर्ण है। भागवत के इन बयानों से साफ है कि एक बार फिर उन्होंने सीधे तौर पर BJP
और पीएम मोदी को आईना दिखाने का काम किया है। बीजेपी और आरएसएस के रिश्ते टूटते दिख रहे हैं, तो दूसरी तरफ बिहार में भी बीजेपी का अपने सहयोगी दल जेडीयू से रिश्ता टूटने की खबरें चल रही हैं। बीजेपी बिहार में डैमेज कंट्रोल करने में जुटी हुई है और नीतीश को मनाने के लिए जेपी नड्डा बिहार पहुंच गए हैं। देखिए रिपोर्ट। बिहार के सीएम नीतीश कुमार और आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव की मुलाकात के बाद राज्य का सियासी पारा हाई हो गया है। उधर केंद्र में भी इस मुलाकात से सुगबुगाहट तेज हो गई है। खबर आने लगी है कि नीतीश बीजेपी से नाराज चल रहे हैं और किसी भी वक्त पाला बदल सकते हैं। मुलाकात की खबरें आते ही आनंद फानन में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा अपना भागलपुर दौरा छोड़कर पटना पहुंचे। यहां पहुंचकर उन्होंने नीतीश कुमार से मुलाकात कर डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की। नड्डा और नीतीश की मुलाकात को नीतीश और तेजस्वी की मुलाकात को मोदी सरकार के डर के तौर पर देखा जा रहा है। तीन दिन पहले ही नीतीश ने तेजस्वी यादव से मुलाकात की थी। इस मुलाकात के बाद केंद्र को डर सताने लगा कि कहीं नीतीश बिहार में पलटी मार कर एनडीए और जेडीयू की सरकार ना गिरा दे। इसीलिए आनंद फानन में जेपी नड्डा ने पटना पहुंचकर माहौल टटोलने की कोशिश की। घबराए नड्डा को इस दौरान नीतीश ने भरोसा दिलाया कि वो कहीं नहीं जाने वाले हैं। नीतीश के इस बयान को राजनीतिक बयान के ही तौर पर लिया जा रहा है, क्योंकि नीतीश का कब मन बदल जाए ये कहा नहीं जा सकता है। ऐसे में ये भी कहा जा सकता है कि नीतीश ने नड्डा से ऐसा कहकर उन्हें दिलासा देने की कोशिश की है, क्योंकि आखिरकार नीतीश करेंगे वही जो वो करना चाहते हैं। नीतीश कुमार के तेवरों से बीजेपी पहले से ही डरी हुई दिखाई दे रही है और अब महाराष्ट्र में उसकी सहयोगी एनसीपी के तेवर भी उसे परेशान कर रहे हैं। अजीत पवार ने तो लोकसभा चुनाव में मिली हार के लिए सीधे पीएम मोदी को ही सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। तो क्या कहा अजीत पवार ने, देखिए इस रिपोर्ट में। महाराष्ट्र सरकार में विधानसभा चुनाव से पहले खटपट की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। इस बार के विधानसभा चुनाव एनसीपी प्रमुख अजीत पवार के लिए बेहद अहम माने जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद पहले से ही अजीत पवार दबाव में हैं। ऐसे में जब उनसे इसे लेकर सवाल किया गया तो अजीत पवार ने हार के लिए बीजेपी को ही सीधे सीधे जिम्मेदार बता दिया। अजीत पवार ने कहा कि लोकसभा चुनाव में एनसीपी की हार का सबसे बड़ा कारण पीएम मोदी का नारा बन गया। अब की बार 400 पार का नारा लोगों को पसंद नहीं आया, क्योंकि लोगों को लगा कि 400 सीटें जीतने के बाद एनडीए सरकार संविधान बदल देगी, समान नागरिक संहिता लाएगी, सीएए लागू करेगी, आरक्षण खत्म कर देगी। इसका चुनाव में काफी असर हुआ। साथ ही 400 पार के नारे और अभियान के कारण हमारे पार्टी कार्यकर्ता निश्चिंत हो गए कि हम ही जीत रहे हैं, जिसका खामियाजा पूरे एनडीए गठबंधन को लोकसभा चुनाव में भुगतना पड़ा। इस बीच अजीत पवार का रुख चाचा शरद पवार को लेकर बेहद नरम दिखाई दे रहा है। उन्होंने हाल ही में कहा था कि वो शरद पवार के खिलाफ अब और नहीं बोलेंगे, जिसके बाद से चर्चाएं तेज हैं। कहा जा रहा है कि वो घर वापसी कर सकते हैं, और अगर ये सच होता है तो ये बीजेपी के लिए बड़ा झटका साबित हो सकता है। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान के किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। बीजेपी के नए लाउड स्पीकर कंगना रनौत ने अपनी फिल्म इमरजेंसी के रिलीज को फिलहाल स्थगित कर दिया है। उनका कहना है कि इसकी डेट्स बाद में डिसाइड की जाएंगी। शायद उन्होंने ये वाली बात समझ ली है कि फिल्म से कुछ हो या ना हो, फिलहाल वो अपने अनाप शनाप रोज बोलने से तो बवाल काट ही लेती हैं। हो भी यह सकता था कि फिल्म तो घरों में चल रही होती और बवाल सड़कों पे कट रहा हो। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।